हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तनु मॉडर्न ब्यूटी टिप्स में। और मैं हूँ तनु। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने बालों को कैसे चमकदार बना सकते हैं। बाल लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। ज़्यादातर लोगों के बाल लंबे भी होते हैं तो उनमें शाइन नहीं होती है। अगर आपके बाल छोटे भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके बालों में शाइन होगी और वॉल्यूम होगा आपके बालों में, बहुत ज़्यादा घने होंगे तो भी लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल लंबे ही हों तभी लोगों को अच्छे लगें। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने बालों को काफ़ी शाइन कर सकते हैं, कैसे शाइन ला सकते हैं अपने बालों में। मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत सारे पैक लगाऊँ तीसरे दिन चौथे दिन ऐसा। तो मैं आपको बहुत आसान सी रेमेडी बताने जा रही हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और एंड में आप अपने फ्रेंड्स को खुद ही शेयर भी कर देंगे। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से क्या करना है अपने बालों के लिए जिससे कि आपके बालों में शाइन आ जाएगी। कोई इस तरीके की कोई शीशी ले लेनी है। अगर आपके पास कोई खाली डिब्बा है तो आप ले सकते हैं क्योंकि आप स्टोर करके भी इसको रख सकते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी शैम्पू की। आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों में, कोई भी एक्स वाई जेड लगाते हैं तो आप शैम्पू ले लीजिए। यहाँ पर मैं क्लिनिक प्लस का ले रही हूँ और इसमें मैंने ये शैम्पू इसमें ऐड कर दिया है। ये कम से कम एक चम्मच होगा। आपको मैं आपको यही बोलूंगी, जब भी आपको सिर को वॉश करना हो तो फिर आप तुरंत इसको बनाइए। एक आप ये शीशी ले लीजिए और इसमें एक चम्मच के करीब आप अपना शैम्पू ले लीजिए। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसमें आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पर ये पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, उसको ऐड कर दूंगी। ये भी मैंने एक चम्मच के बराबर लिया है एलोवेरा जेल। अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रोज वाटर। मैं यहां पर इसमें रोज वाटर को ऐड कर रही हूं। देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले क्लिनिक प्लस शैम्पू को ऐड किया है, फिर इसमें ऐड किया है एलोवेरा जेल और लास्ट में हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कुछ इन्फेक्शन भी हो जाता है तो उससे भी निजात दिलाता है, ड्रैंड्रफ से भी निजात दिलाता है। अब हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे। हम इसको अच्छे से शेक कर लेंगे कि हमारा शैम्पू और वो दोनों अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो किसी बॉल में भी लेके बना सकते हैं क्योंकि उसे चम्मच से मिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपको करना क्या है, आपको ये लगाना कैसे है? जब आप अपना सिर धुलने के लिए जाएं तो जैसा आप शैम्पू को अप्लाई करते हैं आप उंगलियों से अपने बालों में लगा लीजिए और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट तक के लिए रहने दीजिए। फिर उसके बाद आप पानी से धो लीजिए। फिर उसके बाद आपको कोई भी शैम्पू अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको ही यूज़ करना है। आपको ये तब तब अप्लाई करना है जब जब आपको सिर को वॉश करना है। आप कम से कम इस रेमेडी को 15 दिन तो करके देखिए, आपको 15 दिन में ज़रूर फर्क पता चलेगा। और अगर आपको फर्क पता चले तो ज़रूर मुझे फीडबैक भी दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड में तो बिल्कुल भी शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका इसमें बिल्कुल भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होना। आपको कोई मास्क भी नहीं लगाना, आपको झट झट बस ये बनाना है और आपको अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है क्योंकि इतना टाइम तो हर किसी के पास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे या फिर 10 मिनट लग जाएंगे आपको इसको बनाने में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।